हेलो गाइस, नमस्कार। और आज हम बात करने वाले हैं अपने नए वीडियो में डार्क स्किन टोन के ऊपर, कौन सा फैशन अच्छा लगेगा, कैसा कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। काफ़ी लोगों का काफ़ी टाइम से कमेंट आ रहा था कि इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाएं। गोरे लोगों के मुकाबले जो सांवले लड़के होते हैं या फिर थोड़ा और भी डार्क स्किन होता है, सबसे बड़ी दिक्कत उनको ही होती है कि वो किस टाइप का मैचिंग ड्रेस पहने। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वाइट पैंट या फिर आप क्रीम कलर के लाइट पैंट के साथ आप डार्क कलर का कोई भी शर्ट ट्राई कर सकते हैं, जैसे नेवी ब्लू, या फिर आप ब्लैक शर्ट भी ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन लगेगा। साथ में उसके आप ब्लैक ब्राउन शूज़ भी ट्राई कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं वाइट शर्ट कॉम्बिनेशन के बारे में, क्योंकि जो वाइट शर्ट होता है डार्क स्किन के ऊपर काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है। तो आप इसे ब्लैक पैंट या फिर डार्क ग्रे पैंट के साथ ट्राई कर सकते हैं। साथ में आप लाइट ब्राउन शूज़ या फिर डार्क ब्राउन शूज़ भी ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है। सभी को बस एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपकी बॉडी स्लिम है तो फिटिंग भी शर्ट की अच्छी होनी चाहिए, ज़्यादा लूज नहीं होना चाहिए। अगर आप सभी का बॉडी अगर थोड़ा सा फैट वाला है तो फिर शर्ट की फिटिंग भी थोड़ी सी लूज होनी चाहिए, ताकि कॉम्बिनेशन आपके ऊपर ज़्यादा अच्छा लगेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैंट की फ़िटिंग कैसी होनी चाहिए। पैंट की फ़िटिंग बिल्कुल टाइट फिटिंग नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी लूज होनी चाहिए। की लेंथ की बात करते हैं, पैंट की लेंथ एंकल लेंथ होना चाहिए अगर आप स्लिम हैं तो। एंकल लेंथ से शूज का जो लुक होता है और भी उभर के सामने आता है। हम बात करते हैं टी शर्ट के साथ आप फॉर्मल पैंट या फिर ट्राउजर के साथ जा सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपका फॉर्मल पैंट या फिर ट्राउजर अगर डार्क कलर का है तो फिर ऊपर आप लाइट कलर का ही टी शर्ट ट्राई करें, काफ़ी अच्छा लगेगा। और साथ में आप ब्राउन या फिर वाइट स्नीकर भी ट्राई कर सकते हैं। हम बात करते हैं डार्क टी शर्ट के बारे में, अगर आप डार्क टी शर्ट ट्राई करना चाहते हैं तो आप लाइट कलर पैंट भी ट्राई कर सकते हैं, क्रीम कलर का या फिर वाइट कलर के पैंट के साथ जा सकते हैं। आप कुछ अलग दिखना चाहते हैं तो ब्लैक पैंट या फिर नेवी ब्लू पैंट के साथ आप रेड कलर का टी शर्ट ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ में आप ब्लैक फॉर्मल शूज या फिर लोफर के साथ ट्राई करें, काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। रेड और मैरून कलर की टी शर्ट आप वाइट कलर या फिर क्रीम कलर के पैंट के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ में आप डार्क ब्राउन लोफर भी ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन लगेगा आप सभी के ऊपर। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं कोट पैंट एंड ब्लेजर के बारे में, अगर आप सभी दिन की पार्टी में जाना चाहते हैं तो फिर आप डार्क कलर का कोट पैंट ट्राई कर सकते हैं, साथ में आप लाइट कलर की शर्ट ट्राई करें, साथ में आप डार्क कलर का ब्राउन या फिर ब्लैक शूज ट्राई कर सकते हैं। अगर पार्टी रात की है तो आप लाइट कलर के कोट पैंट एंड ब्लेजर ट्राई करें, साथ में आप इसके लाइट कलर का ही शूज ट्राई करें, काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन लगेगा आप सभी के ऊपर। काफ़ी लोगों का मानना है कि डार्क स्किन के लोगों के ऊपर डार्क कलर के कपड़े अच्छे नहीं लगते, ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, भी कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। आप सभी ब्लैक के ऊपर ब्लैक भी ट्राई कर सकते हैं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दोस्तों, कोई भी ड्रेस तभी अच्छी लगती है जब आपकी बॉडी अच्छी होगी। अगर आपकी फिटनेस अच्छी है तो आप कुछ भी ट्राई करें, सब कुछ अच्छा लगता है। अगर आपकी बॉडी अच्छी नहीं है तो आप कितने भी महंगे कपड़े ट्राई करें, अच्छा नहीं लगेगा। तो आप सभी को फिटनेस के ऊपर काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा, ताकि आप अपने ड्रेसिंग सेंस को और भी आगे लेके जा सको। मैं अपने आने वाले वीडियो में आप सभी को फिटनेस के बारे में बताऊंगा, आप सभी फिट कैसे रह सकते हैं अपना, अगर आपका शरीर काफ़ी मोटा है तो अपना फैट कैसे लूज कर सकते हैं। तो इस हमारे चैनल पे बने रहें, ताकि आप सभी को हम आगे ऐसे ही मोटिवेट कर सके। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।